पब्लिक प्रॉपर्टी इतना कठिन लव्स, इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वर्ड आई कैन यूज, वो पब्लिक की जीनत बन जाए पब्लिक प्रॉपर्टी। और कोई भी अच्छी लड़की ये कहेंगी कि वो पसंद करेंगी कि वो उस आदमी की बीवी बने जो पहले से शादीशुदा है, बनिस्बत बाजार की जीनत बने। इसीलिए इस्लाम में एक से ज्यादा शादी करने के लिए कुछ मर्दों को इजाजत है ताकि वो औरतों की हिफाजत कर सके। और मैं जानता हूं कि कोई भी औरत दुनिया में खुश नहीं होंगी अपने शोहर को बांटने के लिए कोई भी औरत आमतौर पर खुश नहीं होंगी, ये मैं जानता हूं। लेकिन इस्लाम में अगर वो औरत सही मुस्लिमा है और दुनिया की हालत जानती है और इस्लाम के अहकामात को जानती है, वो क्या कहती है कि इस्लाम का हुक्म है, इस्लाम का रूल है, शरिया का रूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस, छोटे नुकसान को बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो छोटा नुकसान यह है कि वो मुसलमान अपने शोहर को बांट रही है, बड़ा नुकसान है कि वो अपने बहन को बचा रही है बाजार की जीनत बनने से। तो एक अच्छी मुसलमान अपने शोहर को बांटने का गम बर्दाश्त करती है बनिस्बत अपने बहन को बाजार की जीनत बनने से रोकने के लिए। छठा आम सवाल जो गैर मुस्लिम करते हैं इस्लाम के मुतालिक वो है कि अगर इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत है तो इस्लाम में औरतों को एक से ज्यादा शोहर रखने की इजाजत क्यों नहीं है। आमतौर पे अगर एक मर्द की एक से ज्यादा बीवी है और अगर बच्चा पैदा होता है तो बहुत आसान है जानने के लिए कि उस बच्चे की मां कौन है और उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे की वालदा कौन है, उस बच्चे का वालिद कौन है, बहुत आसान है। लेकिन अगर एक औरत की एक से ज्यादा शोहर है और अगर बच्चा पैदा होता है, मां का तो पता लग जाएगा, वालदा का तो पता लग जाएगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। तो जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाएंगे और पूछा जाएगा बाप का नाम क्या है, तो शायद आपको दो नाम देने पड़ेंगे। और आज की साइंस कहती है कि वो बच्चे जो अपने वालिद का नाम नहीं जानते अक्सर उनके जहन पे गलत असर पड़ता है बचपन में। इसीलिए जो प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे हैं उनका बचपन बहुत बुरा गुजरता है। मैं डॉक्टर होने की वजह से मैं जानता हूं कि आज की मेडिकल साइंस एडवांस हो चुकी है और कई टेस्ट है, डीएनए टेस्ट, जिससे मालूम पड़ सकता है वालिद कौन है। लेकिन ये टेस्ट 100% सही नहीं है। मान भी लो अगर सही बन जाएंगे कल, फिर भी ये आज हमें पता लगा, इतने साल तक के तो हमें पता नहीं था। और इस्लाम सैकड़ों सालों से है और ये सिर्फ वाहिद वजह नहीं है क्यों औरतों को एक से ज्यादा शोहर रखने की इजाजत नहीं है। आज की साइंस ये कहती है
कि मैन इज मोर पॉलीगेमिस्ट इन नेचर एज कंपेयर टू द वुमेन, मर्द का जो नेचर है, जो उसका नेचर है, वो एक से ज्यादा बीवी रखने का नेचर है बनिस्बत औरतों के, तो एक से ज्यादा शोर रखना चाहते हैं। आज हमें यह पता लगता है कि औरतें दे अंडरगो मेंस्ट्रुअल चेंजेस है, इसके वजह से उनका जो नेचर है, उनके जो लेवल्स है, वो चेंज होने की वजह से उनकी जहनी हालत हैज के दौरान बदलती रहती है। तो उस हालत में उस औरत को एक से ज्यादा बीवी की ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। जो आदमी के लिए आसान है क्योंकि चेंजेस उसमें नहीं है, वो एक से ज्यादा शोहर की ड्यूटी कर सकता है। और आज की साइंस ये कहती है कि अगर एक औरत के एक से ज्यादा साथी है, जो सेक्सुअल पार्टनर है, अगर एक औरत के एक से ज्यादा हम बिस्तर के साथी है, हम बिस्तरी करने के लिए, और अगर वो सब लोग आपस में दे आर ट्रस्टवर्दी, दे आर फेथफुल, आपस में भरोसे वाले हैं, आज की साइंस कहती है देर आर चांसेस फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वेनरल डिजीजेस, जिनसी बीमारियां पैदा होंगी, जिनसी बीमारियां पैदा होंगी अगर एक औरत के एक से ज्यादा हम बिस्तर के साथी है, और ये बीमारी फिर से मर्दों में फैलेंगी। लेकिन अगर मर्दों के एक से ज्यादा हम बिस्तर के साथी है और आपस में सब वफादार है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पैदा होने के चांसेस नहीं है, वेनरल डिजीज के चांसेस नहीं। तो अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने मर्द को बनाया है पॉलीगेमिस बाय नेचर और औरत को नहीं। सातवीं गलत फहमी जो गैर मुसलमानों को है इस्लाम के खिलाफ, या सातवीं गलत फहमी जो सबसे आम है इस्लाम के मुतालिक, वो है कि इस्लाम में औरतों को जलील किया जाता है, इसीलिए उन्हें हिजाब में रखा जाता है। औरतों को हिजाब में रखने के बाद इस्लाम उसे जलील करती है, इस्लाम उन्हें जलील करता है। यह सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे कुछ तारीखी बात कहना चाहता हूं कि तारीखा यह कहती है कि बेबीलोन में, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में अगर एक मर्द औरत का कत्ल करता था तो उस मर्द को सजा मिलने के बनिस्बत उस मर्द के औरत का कत्ल किया जाता था। ये उस टाइम का कानून था। आप जब ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि एक औरत थी जिसका नाम था पेंडोरा, जो मनुष्य थी, जिसके वजह से जितनी बुराइयां माहौल में थी, ग्रीक सिविलाइजेशन में थी, उस औरत की वजह से थी। और ग्रीक सिविलाइजेशन में औरत को पहले इज्जत दी जाती थी, लेकिन फिर उसे सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रोमन सिविलाइजेशन में वुमेन वर यूज ओनली फॉर सेक्स एंड प्लेजर, प्रोस्टिट्यूशन वॉज कॉमन, औरतों को सिर्फ हम बिस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता था और प्रोस्टिट्यूशन के लिए। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में औरत को कहा जाता था कि वो शैतान की निशानी है, और कुरान नाजिल होने के पहले अरब देशों में औरत जब पैदा होती थी, लड़की जब पैदा होती थी, उसे जिंदा दफनाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाजिल होने के बाद ये गलत प्रैक्टिस बंद हो गई, औरतों को दफनाना बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी दुनिया के कई शहरों में आज भी ये हो रहा है, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में भी हो रहा है। इस्लाम सबसे पहला मजहब है जिसने औरतों को इज्जत दी और बराबर के हुकूक दिए, लेकिन हुकूक देने के बाद
ये हुकूक को कायम रखने के लिए उसका तरीका भी सिखाया। जब औरतों को अपने हक दिए, तरीका सिखलाया किस तरीके से हक बरकरार रह सकता है। और अल्लाह सुभाना व तआला ने इस्लाम में औरतों को हिजाब करने के लिए फर्ज कहा, लेकिन अक्सर मुकर्ररीन औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुभाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते फिर औरतों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 40 में कि कह दो मोमिन मर्दों से कि जब भी वो कोई औरत को देखे और उनके जहन में गलत ख्याल आ जाए फौरन अपनी नजर को नीचे करे ताकि वो अपने शर्मगाह की हिफाजत कर सके। यानी जब भी कोई इस्लाम में मर्द औरत को देखता है गलत ख्याल आ जाते फौरन उसे नीचे देखना चाहिए। एक वक्त एक मुस्लिम लड़का था जो लड़की को देख के घूर रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब इस्लाम में घूरना औरत को हराम है। तो उसने मुझे कहा कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है दूसरी हराम है, मैंने तो आधी नजर भी मुकम्मल नहीं की अब तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते थे कि पहली नजर हराम है, पहली नजर की इजाजत है, दूसरी हराम है उसका मतलब नहीं कि आप लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पलके झपकाए विदाउट ब्लिंकिंग और कहो कि मैंने नजर नहीं पूरी की। अल्लाह के रसूल ये फरमाते थे कि अगर आप अनइंटेंशनली गलती से कोई लड़की को देखते हैं तो फिर से मत देखो ताकि आप उसके ब्यूटी पे फीस कर सको, ताकि आप उसकी जीनत को लेके ऐशो आराम कर सको। उसके फौरन बाद दूसरी आयत आती है औरतों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि कह दो मोमिना से मोमिन औरतों से कि वो अपनी नजर को नीचे करे और अपने सिर का पल्लो छाती पे ढक ले और अपनी जीनत मत दिखाओ सिर्फ जो अपने आप जाहिर होता है सिर्फ और अपने जीनत को छुपाओ सिर्फ अपने शोहर अपने बेटों अपने वालिद और एक बड़ी फहरिश्त है जो महरम की फहरिश्त है कि महरम के अलावा बाकी लोगों के सामने बाकी मर्दों के सामने आपको हिजाब करना फर्ज है। इस्लाम में हिजाब के मुतालिक 6 पॉइंट्स हैं, 6 नुक्ते हैं। नंबर 1 है एक्सटेंट, कितना ढका होना चाहिए अपना जिस्म। मर्द के लिए है नाप से लेके घुटने तक, औरतों के लिए सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ उनका चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। कुछ उलमा कहते हैं कि चेहरा भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते जो है वो मर्द और औरतों में यकसा है। कपड़े इतने चुस्त नहीं पहनना चाहिए ताकि जिस्म का नक्शा दिख जाए। कपड़े इतने महीन इतने पतले इतने झलकने वाले ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट नहीं होना चाहिए ताकि आप कपड़े के थ्रू जिस्म को देख सके। 4th नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि दूसरा जिन्न उससे मुतासिर हो जाए। 5वां नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए, मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और 6ठा नुक्ता है कि कपड़े ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो गैर मुसलमानों की निशानियों में से हो, मिसाल के तौर पे टीका या सलीब, ऐसे निशानियां नहीं पहनना चाहिए। ये 6 नुक्ते हैं कपड़ों के बारे में। लेकिन मुकम्मल हिजाब सिर्फ कपड़ों में नहीं है, कपड़ों के अलावा किस तरीके से औरत और मर्द पेश आते हैं, किस तरीके से बात करते, किस तरीके से चलते हैं, कपड़े के हिजाब के अलावा
हिजाब जहन का, हिजाब दिल का, हिजाब सोच का, किस तरीके से औरत चलती है या मर्द चलता है, बात करती है या बात करता है, सोचता है या सोचती है, इन सारी बातों को लेके हिजाब मुकम्मल होता है।